नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले व्याख्यानों में मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में बताया। आज मैं उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतिम अंग सचिवालय के बारे में आपको बताऊँगी। संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय एक स्थायी तथा गैर राजनीतिक संस्था है। चार्टर की धारा 97 के अनुसार महासचिव इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है तथा हजारों अन्य कर्मचारी तथा कार्यकर्ता इसके लिए कार्य करते हैं। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर महासभा करती है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है जिसके शीर्ष बिंदु पर महासचिव का पद एवं उसका कार्यकाल होता है। वह केवल सचिवालय का अध्यक्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व संस्था के कार्यों का सूत्रधार कहा जाता है। उसे सचिवालय का मुख्य संचालक भी कहते हैं। सचिवालय का प्रभारी होने के नाते महासचिव का प्रमुख कार्य संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड रखना तथा उन कार्यों को करना है जिनको चार्टर द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी अंग को न दिया गया हो। सचिवालय का स्टाफ महासभा द्वारा स्थापित नियमों के आधार पर महासचिव द्वारा नियुक्त किया जाता है। महासचिव के कार्यकाल के संबंध में चार्टर पूर्णतः मौन है। सामान्यतः महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है जिसे दूसरे कार्यकाल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। महासचिव पद के लिए कुछ योग्यताएं भी निर्धारित की गई हैं। उम्मीदवार महासभा एवं सुरक्षा समिति दोनों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। वह एक अच्छा राजनीतिज्ञ हो, वह हर तरह के जोखिम के लिए तैयार रहे, वह एक अच्छा प्रशासक हो, वह सभी समूहों एवं राष्ट्रों का एक विश्वसनीय सलाहकार हो। महासचिव को अनेक कार्य और शक्तियां भी सौंपी गई हैं। इसकी प्रमुख शक्तियों में प्रशासनिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, राजनीतिक शक्ति, प्रतिनिधियात्मक शक्ति, तकनीकी शक्ति, राजनीतिक शक्ति तथा पंजीकरण संबंधी शक्तियां हैं। सबसे पहले हम महासचिव की प्रशासनिक शक्तियों को लेते हैं जिनका उल्लेख चार्टर के अनुच्छेद 97 में किया गया है। इसके अनुसार महासचिव संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को संगठित तथा निर्देशित करता है। वह संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों एवं समितियों के कार्यों को निपुण बनाता है। वह महासभा द्वारा प्रस्ताव पर कार्यवाही करता है। वह आलेखों, प्रस्तावों तथा रिपोर्टों की रूपरेखा तैयार करने में सहायता करता है। वह तकनीकी एवं कानूनी सलाह देता है। वह विशिष्ट एजेंसियों को संयुक्त राष्ट्र के संपर्क में लाता है। वह मतदान की रूपरेखा तथा प्रक्रिया के नियम बनाता है। इसके बाद आती हैं वित्तीय शक्तियाँ। महासचिव के कार्यों के अंतर्गत उसके वित्तीय उत्तरदायित्व भी हैं। प्रमुख वित्तीय कार्य इस प्रकार हैं। पहला, वह संयुक्त राष्ट्र का बजट बनाता है। वह धन का बंटवारा करता है तथा व्यय को नियंत्रित करता है। वह संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से उसके हिस्से का धन इकट्ठा करता है। वह साधारण वित्तीय नियंत्रण तथा साधारण वित्तीय व्यवहारों के लिए विशिष्ट एजेंसियों की सलाह लेता है। वह संयुक्त राष्ट्र को सभी निधियों का अभिरक्षक है और उसके व्यय के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त महासचिव को राजनीतिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को अनेक राजनीतिक कार्य भी करने होते हैं। चार्टर के 99th अनुच्छेद में कहा गया है कि महासचिव किसी ऐसे मामले की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित कर सकता है जिसमें उसके विचार में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बने रहने में संकट उत्पन्न हो सकता है। इस शक्ति तथा कुछ अन्य कारणों से महासचिव संयुक्त राष्ट्र का प्रधान राजनीतिक अभिकर्ता बन गया है। राजनीतिक रूप में उसके मुख्य कार्य हैं। वह नीति निर्माण में अपनी स्वेच्छा तथा प्रयोग करने की शक्ति रखता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को खतरे की सुरक्षा परिषद में ध्यान खींचने के लिए वह सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करवाता है। वह संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालता है। वह एक देश से दूसरे देश में मध्यस्थता द्वारा झगड़ों का निपटारा करने के लिए जाता है। महासचिव के कार्यों को देखते हुए उसकी राजनीतिक भूमिका 3 दिशाओं में दिखाई देती है।
पहली उसे एक अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार कहा जाने लगा है। वह अनेक अवसरों पर ऐसे प्रतिष्ठा रक्षक सूत्रों के रचयिता के रूप में सामने आता है जिन्हें विवाद के विभिन्न पक्षों के सम्मानपरक रूप में स्वीकार करना संभव पाया गया है। तीसरा, उसे विश्व की आत्मा का संरक्षक भी कहा गया है। राजनीतिक शक्तियों के अतिरिक्त उसकी प्रतिनिधियात्मक शक्तियाँ भी हैं। महासचिव को कुछ प्रतिनिधित्व के कार्य भी करने होते हैं। वह संयुक्त राष्ट्र के का एजेंट या प्रतिनिधि होता है। केवल यही ऐसा व्यक्ति है जो सारे संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगर किसी विशिष्ट एजेंसी द्वारा कोई समझौता किया जा रहा हो तो संयुक्त राष्ट्र का वह प्रतिनिधित्व करता है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में केंद्रीय स्थान रखता है। वह विभिन्न अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने संयुक्त राष्ट्र के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा महासचिव के तकनीकी कार्य भी हैं। चार्टर के अनुच्छेद 98 के अंतर्गत महासचिव को ऐसे कार्य भी करने होते हैं जो उसे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा न्यास परिषद द्वारा सौंपे जाएंगे। इन अंगों द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्यों को भी महासचिव संपादित करता है। इसके अतिरिक्त महासचिव के पंजीकरण से संबंधित कार्य भी हैं। चार्टर के अनुच्छेद 102 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी सदस्य द्वारा लागू की गई कोई भी संधि तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौता तभी लागू होगा जब उसे जल्दी से जल्दी सचिवालय में पंजीकृत करवा दिया जाए। इन संधियों तथा समझौतों को महासचिव ही पंजीकृत करता है। कोई भी ऐसी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसे चार्टर की धाराओं के अनुसार पंजीकृत नहीं किया गया हो, संयुक्त राष्ट्र के किसी भी अंग के सामने वह समझौता एवं संधि करने वाला उसे लागू करने के लिए याचना नहीं कर सकता। इस तरह बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की स्थिति तथा भूमिका महत्वपूर्ण है। महासचिव की स्थिति किस प्रकार की होगी, वो किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करेगा, यह उसके व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। तो इस तरह से महासचिव को संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण और प्रमुख अंग माना जा सकता है। तो बच्चों, इस तरह से सचिवालय से संबंधित ये चर्चा ये समाप्त होती है। अगली चर्चा में मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों और उसकी असफलताओं के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।